महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के करीब 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। दरअसल यह घटना सुबह 10 बजे के आसपास हुई है, जब एक ही परिवार के 11 लोग दसवां की क्रियाकर्म कर लौट रहे थे। इस दौरान उनको शिव जी के दर्शन करने थे, जिसके लिए वह जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के वर्धा नदी में लगातार तेज बहाव के चलते नाव पलट गई, जहां पर सभी लोग डूब गए। लिहाजा स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 3 लोगों के शव बरामद किया गया, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग शामिल है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मुंबई महाराष्ट्र की सभी नदियां उफान पे है, जिसके चलते यह घटना हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि यह पूरा परिवार जो है दसवां का क्रियाक्रम करके लौट रहा था, इस दौरान यह घटना हुई है। यह भी जानकारी मिल रही है कि एक ही परिवार के सभी लोग थे जो शिव जी का दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन इस दौरान जो है नाव पलट गई और यह घटना हो गई। फिलहाल लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है कि बाकी लोग कहां चले गए हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। देवरिया जनपद के महुआडी थाना क्षेत्र के हत्तिमपुर चौकी के पास आज एक अज्ञात शव पुलिस ने बरामद किया है। शव के पास से एक तार भी मिला है और पुलिस जांच में जुटी है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को अंदेशा है आसपास का होगा या कुशीनगर जनपद के सटे थाने होने के चलते उस जिले की भी लाश हो सकती है। जब तक शव की शिनाख्त नहीं होगी तब तक इस घटना के बारे में पूरी खुलासा नहीं हो सकती है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है और शिनाख्त के लिए गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर श्रीपत मिश्र और सीओ सिटी सुरेश त्रिपाठी एडिशनल एसपी पहुंच करके मौके की पूरी छानबीन की है। यह घटना कैसे है, क्या है और क्यों यहां लाश मिली है, इसके खुलासा के लिए टीम लगा दी गई है। अब खुलासा होने के बाद ही इस मामले से पर्दा उठ सकेगा। देवरिया से विशाल मित्रा, एनबी न्यूज। प्रदेश में आज शिक्षक संघ को लेकर के जगह जगह जो है धरना, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 21 सूत्रीय मांग है इन लोगों की। अगर हम अयोध्या जनपद की बात करें तो अयोध्या जनपद के सभी ब्लॉकों में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि शिक्षकों की काफी भीड़ भी जुटी है। इनकी 21 सूत्रीय मांग है, आइए हम जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं सरकार से और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कैसे कैसे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज जिस तरीके से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों की सरकार से क्या मांगे? हम लोगों की सरकार से मांगे ये हैं कि हम लोगों की पहली बात पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हम लोगों के साथ विद्यालय में कार्य करने वाले हमारे भाई शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित शिक्षक बनाया जाए, अनुदेशक हैं उनको नियमित शिक्षक बनाया जाए, विभिन्न ब्लॉकों पर कार्यरत हमारे लेखाकार हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनको अस्थायी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए और हमारे विद्यालय में कार्य करने वाले रसोइयों का मानदेय कम से कम 10,000 रुपये किया जाए। आंगनबाड़ी में भी सहायिका को 10,000 रुपये, कार्यकर्त्री को 15,000 रुपये और मृतक आश्रित को नौकरी, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो लेखाकार हो, चाहे नियमित कर्मचारी हो, सबको मृतक आश्रित की नौकरी। अगर हम बात करें कि शिक्षा मित्रों को लेकर के सरकार ने जो है आश्वासन भी दिया था कि मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन 2022 का चुनाव भी नजदीक आ गया है, अभी तक सरकार की इसका असर कैसा दिखेगा? असर इसका हमारे शिक्षा मित्र भाई सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय होगा और हम लोगों की मांगे मानी जाएंगी। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सरकार को लेकर के शिक्षकों को एक आस बनी हुई है कि जो शिक्षकों की मांग है सरकार उसको पूरी करेगी, अब देखने वाली बात होती है कि सरकार किस तरीके से जो शिक्षक है आज प्रदर्शन इनका हो रहा है, इनकी मांगे कब पूरी होती है। वीडियो पर्सन साइलेंस के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। कानपुर में बुढ़वा मंगल का जो त्योहार मनाया जा रहा है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, यहाँ पर मेरे साथ कुछ भक्तगण हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश पांडे। किस तरह से इस त्योहार को मना रहे हैं आप लोग? इस तरह के 19 साल से बराबर मना रहे हैं और ये कानपुर में दूसरा स्थान है, पहला स्थान पनकी मंदिर, दूसरा ये सनगमा रोड में दक्षिण मुख हनुमान मंदिर है, जो हर साल यहाँ पे ऑटोमेटिक
पब्लिक यहाँ पे ऑटोमेटिक जमा होती रहती है और हर तरह का सहयोग करती रहती है। कितने किस तरह से मतलब शुरुआत किस तरह से करते हैं आप लोग, पूजा अर्चना श्रृंगार किस तरह से होता है? पहले आखंड रामायण बैठती है एक दिन पहले, आखंड रामायण समाप्त तो होते ही हनुमान जी का मतलब श्रृंगार होता है, इसके बाद मतलब राजगद्दी और कीर्तन और झांकियां शाम को रात में 12 बजे तक कार्यक्रम चलता है। और यहाँ पे 20 से 25 कुंटल आटे की मतलब पूरी और 25 कुंटल सब्जी, हलवा, लड्डू ये सब बढ़ता बराबर रहता है रात में 12 बजे तक। जैसा बताया गया है भक्तगणों के द्वारा कि ये पिछले 19 वर्षों से इस त्यौहार को यहाँ पर मनाया जाता है, कानपुर में विशेष रूप से ये अलग महत्व रखता है और कानपुर के अंदर दूसरा स्थान भी रखता है। सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, हवन वगैरह शुरू हो जाते हैं, मंदिरों में भक्तों का तांता शुरू हो जाता है, आचार्य और पुरोहितों के मुख से मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। फिलहाल कानपुर में इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANDN न्यूज कानपुर। वर्तमान जो मौसम है, खरीफ की फसल, किसानों ने खरीफ की फसल बोई थी और जो लेत जनपद का जो किसान है जो खेती से काफी चिंतित है और जो किसानों की फसल है पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। आपको बता दें कि जो किसानों ने खरीफ की फसल बोई थी उड़द की, मूंग और सोयाबीन वगैरह, वह तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। साथ ही जो किसान है इनके पास कोई आर्थिक आय का कोई स्रोत नहीं है और आज किसानों के लिए लाले के पड़ गए हैं। अब देख रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है और इसी पर हम कुछ किसानों से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की आपकी फसल है और कितना नुकसान हुआ है आपका। क्या नाम है आपका? विक्रम प्रताप सिंह। किस प्रकार की फसल है आपकी, कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो लगभग इस समय 80% है फसल में, 80 का और टोटल खत्म है फसल। क्या हुआ था आपने फसल में? और सोयाबीन, तिलहन, मूंग, चार फसल लगा दी, मक्का भी लगा दी। तो सोयाबीन में इतनी लग चुकी है, कोई बारिश नहीं हुई इससे कुछ नहीं हुआ। और जो तिलहन है, तिलहन में कुछ नहीं है। उड़दा थोड़ा बहुत हुआ है तो उड़दा में इतनी लग चुकी है और पीला बना चुका है जिससे कुछ नहीं है, घासी घास है। देखो जी, सरकार से क्या मांग चाहते हैं? सरकार से ये मांग चाहते हैं जो आर्थिक स्थिति है लोगों की खराब, उसको कुछ ना कुछ सही हो। और जो KCC के बीमा भी होते हैं तो उसका भी सही तरीके से बीमा दिया जाए, क्योंकि जैसे डाक द्वारा आ जाते हैं हमारे घर पर लेटर, उसमें से 10 किसान का लेटर आया तो उसमें से 6 को आया, 4 को नहीं आया। तो 4 तो बच जाएंगे लेकिन 10 का क्या? 2018 में भी कुछ आए थे ऐसे, उनको भी नहीं कुछ मिला। क्या चाहते हैं हम लोग सरकार से, क्या मांगते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं, किसान को ये क्रेडिट कार्ड पे बीमा होता है वो भी मिले, जो नुकसान हो गया है वो भी नुकसान दिया जाए। आप लोगों ने जो फसल बोई थी तो कितना इसमें आप लोगों ने खर्चा किया था? कितना खर्चा तो देखो बहुत हो जाता है, जैसे गर्मी में अभी पहली बार बखन्नी करते हैं, फिर उसको दोबारा बखन्नी करते हैं, तो तीसरी बार में उसकी बोनी करते हैं। बोनी करने के बाद फिर घास की दवा, इल्ली की दवा, पोषक, इस वजह से कई प्रकार की दवाई डालते हैं। तो लगभग लगभग एक एकड़ में आप 5,000 रुपया लग जाए आ जाती है, 5-6 के खरीफ की फसल में, रबी की में तो ज़्यादा आ जाती है। तो देखिए जो किसान है उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है कि उनकी इस फसल में काफ़ी लग लग जाती है और इल्ली की दवाई भी डालते हैं और जो घास पूरा उसकी दवाई डालते हैं, इसके बावजूद भी जो फसल है वह नष्ट हो गई है। अब देखा यह है कि सरकार द्वारा किसानों के लिए किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाती है। जयपुर से कैमरा पर्सन के साथ नितेश कुमार, ANDN न्यूज। राजापुर में लगभग 150 ग्राम पंचायतों के बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए बनाया गया विद्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आपको बता दें, आप जो ये पीछे मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सन 2007 में माया सरकार में बनाई गई थी और माया सरकार पर इसे बनकर तैयार होना था, लेकिन ये विद्यालय आज तक विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया और ये विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आपको बता दें, इसी विद्यालय के नाम से राजकीय इंटर कॉलेज एक प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित है, लेकिन वह विद्यालय भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लेकिन आज तक इस विद्यालय हैंडओवर न होने से जो बालिकाएं हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, उन्हें तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको बैठने को लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये विद्यालय जिला पंचायत की जमीन में चल रहा है और ये सन 72 में हाई स्कूल हुआ है, सन 81 में इंटर हुआ है।
यहाँ की भी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बैठने में अव्यवस्थाएँ हो रही, बच्चों को दिक्कत होती है। और जो नई बिल्डिंग है वह तक हमको हैंडओवर हो नहीं पाई है, उसकी स्थिति इससे भी ज़्यादा दयनीय। देखिए पठन पाठन तो जैसी व्यवस्था उसके हिसाब से कराया जाता है, स्टाफ है तो सारे पीरियड लगते हैं। मेरे जो राजकीय अधिकारी हैं उनको इसकी स्थिति के विषय में पता है, क्योंकि यह हर साल सेंटर बनाया जाता है और सेंटर निरीक्षण के समय में इसमें सभी अधिकारी आते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती प्रभाविका। कौन से पद पे हैं आप यहाँ? मैं प्रवक्ता इतिहास, इस समय प्रभारी प्रधान आचार्य। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो जिन्होंने इस पर लापरवाही बरती है उन पर विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है। वीडियो जर्नलिस्ट जून त्रिपाठी के साथ मैं सुबह निषाद ANB चित्रकूट। जैसे कि हम बात कर लें कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश भर में फैला हुआ है, वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में भी कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े जीरो हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ना चालू हो गए हैं। वहीं हम बात कर लें कोरोना महामारी की पहली व दूसरी लहर में बंदियों को छोड़ा गया था पैरोल पर, वहीं अब उनकी दोबारा से पैरोल अवधि बढ़ा दी गई। बिजनौर में महिला खो खो खिलाड़ी जिसकी 10 सितंबर को हत्या कर दी गई थी, उस मामले में SP धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता की और खुलासा किया, शहजाद नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, अनावरण हुई विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके दूर थोड़ी दूर पर बरामद कराया, जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिन का जो स्ट्रगल हुआ उसके जो स्ट्रगल मार्क है संघर्ष के निशान वो देखा गया, उसका डॉक्टर परीक्षण हुआ, ब्लड स्टेन जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे उसके घर से बरामद हुआ, जब उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था वो दो बरामद हुआ उस शर्ट से। ANB न्यूज से गुड्डू भारती बिजनौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 16 सितंबर के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार उनके आने को लेकर तैयारियां की जा रही है। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से साफ सफाई व्यवस्था और यहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही जो लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। ANB न्यूज के लिए सत्येंद्र वर्मा बाराबंकी। जनपद मैनपुरी में 21 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। बता दें जनपद मैनपुरी में शिक्षकों के जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर समस्या चल रही थी उसके लिए और जो शिक्षा में तनदेशक हैं उनके वेतन को बढ़ाने और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने को लेकर 21 सूत्री मांगों को लेकर आज शिक्षकों ने ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन के पर धरना प्रदर्शन किया। इसका ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजा है और उनकी मांगे हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। सबसे पहली मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाली, दूसरी मांग है जो हमारे कार्यरत रसोइया हैं उनको 1500 रुपया मिल रहा है महीने में, तो बहुत मेहनत करती हैं, उससे उनका परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है, इनका 10,000 रुपया कम से कम मानदेय किया जाए। अगली मांग है जो हमारे शिक्षा मित्र कार्यरत हैं उनको 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि अध्यापकों को 50,000 से ऊपर से मानदेय दिया जा रहा है। एक विद्यालय में दो तरह के जो मानदंड चल रहे हैं वो गलत हैं, इनको एक समान किया जाए, शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ाया जाए या रेगुलर अध्यापक बनाया जाए। हमारी जो सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं उनको मृतक आश्रित हो जाते हैं, उनको नौकरी जो देते हैं उनके तहत। कैमरा पर्सन साहब, मैं उमाकांत वाथम, ANB न्यूज़ बैंक। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं मुनिकीरेती मधुबन आश्रम में, जहाँ पर आपको बता दें राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें यहाँ हमारे साथ हैं महन जी, ये बताएंगे किस तरीके से यहाँ राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, ये बात करते हैं इनसे किस प्रकार से त्यौहार मनाया जाता है। जी महाराज जी, किस प्रकार से राधा अष्टमी का
त्यौहार मनाया जाता है, क्या विशेष खूबियाँ हैं? राधे राधे। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि राधा रानी है कौन। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है, फलादिनी शक्ति है। भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं, लेकिन जो राधा रानी है वो उन जो सुप्रीम नियंता है उनको कंट्रोल करती हैं। तो आज जो भगवान की हलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनका जन्मदिन है। इसको भक्त लोग बड़े प्रेम के साथ इंतजार करते हैं और दोपहर तक भक्त लोग उपवास करते हैं, निर्जला करते हैं, और दोपहर के बाद फिर अपना व्रत खोलते हैं और फिर शाम को श्रीमती राधा रानी और गोविंद जी का महाभिषेक होता है, जिसमें दूध दही घी मधु फलों का रस इत्यादि से अभिषेक किया जाता है। फिर भक्त लोग कीर्तन और अखंड हरिनाम के द्वारा राधा रानी और गोविंद जी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। और आज का दिन का महत्व इतना अधिक है, शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन जो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा रानी की कृपा से उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं और उसको आध्यात्मिक धन की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप आज के दिन विशेष रूप से अधिक भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, हरे कृष्णा। जी हाँ, आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी ने बताया है किस तरीके से राधाअष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आइए देखा किस तरीके से महाराज जी ने पूरी जानकारी देते हुए हमें बताया कि राधाअष्टमी का त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है। आइए मैं अपने कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से मंदिर में श्रृंगार कर राधा रानी को सजा रखा है, किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर देखे भजन कीर्तन कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों के दर्शन करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर रुके हुए। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए सागरस्त होगी। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हरिद्वार के नए एसएसपी ने जनपदीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी और चेकिंग के आदेश दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार की सीमाएं उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों से मिलती हैं। अपराधी अपराध करके इन सीमाओं से वापस चले जाते हैं। जब से हरिद्वार के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र ने नई जिले की कमान संभाली है, तभी से वे अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं और अपराधों पर अंकुश लगाने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार देहात का जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों से मिलता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से। और ये तीनों जनपदों से इसकी सीमाएं काफ़ी पोरस हैं, यानी इसमें मैं तो कहूँगा कि दर्जनों नहीं सैकड़ों रास्ते होंगे जो कि एक दूसरे एक से दूसरे को जोड़ते हैं। कुछ पक्के रास्ते हैं, कुछ कच्चे रास्ते हैं और इनमें अपराधियों का आना जाना भी निश्चित रूप से कई बार होता है। अपराध करके भी आदमी इस तरफ से दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से इस तरफ आता है। तो जो हमारे मुख्य पॉइंट है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग लगातार इसकी चेकिंग करते हैं पहले से भी और आगे भी ये चेकिंग जारी रहेगी, रैंडम चेकिंग इसमें जारी रहेगी। और दूसरा मेरा ध्यान इस बात पे होगा कि हम लोग सरप्राइज चेकिंग करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर एक ही स्थान पर आदमी लगातार चेकिंग कर रहा है तो फिर जो क्रिमिनल होता है उसको भी पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर चेकिंग हो रही थी, वो अपना रास्ता बदल देता है। तो सरप्राइज चेकिंग में इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि इस प्रकार के तत्व सामने आएंगे और कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी हम लोग एक रिकॉर्ड इसका रखने का प्रयास करेंगे, जहाँ भी हम रेंडम चेकिंग कर रहे हैं, ताकि अगर कोई घटना होती है तो हम उसका उससे मैच करा सकते। इसी मौसम में अपराधी सक्रिय हो जाते हैं और वारदात करके उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निकल जाते हैं। एसएसपी हरिद्वार ने सभी थाना प्रभारियों को आवेदन किया है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी करें और कड़ी चेकिंग करें। एनबी के लिए मंगलों से अकेला मत की। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले इस कदर से बुलंद हैं कि अपराधी अपराधों को अंजाम देते हुए एक पल भी यह नहीं सोचते कि उनके साथ क्या होगा या फिर उनके मन में किसी भी प्रकार से कानून का भय है। अपराधी लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और रीवा जिले में तो इन दिनों अपराधियों के द्वारा अपराधों को अंजाम देने के बाद उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जाता है, जिससे कि आम लोगों के मन में भी दहशत का माहौल बने। रीवा जिले में अपराधियों के हौसले जिस कदर से बुलंद होते जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है।
लेकिन अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें जरा सा भी कानून का डर नहीं है। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो रीवा के जवा तहसील अंतर्गत से वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत सितलाह गांव का है, जहां पर रविवार शाम को सूखी टहनी काटने का विवाद पर दो व्यक्तियों पर चार की संख्या में आए बदमाशों ने हमला कर दिया और बदमाशों के द्वारा दो व्यक्तियों को इस कदर से मारपीट की गई कि दो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। और जैसे ही इसका वीडियो कल रात को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वीडियो सुर्खियां बटोरने लगा। वहीं वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो रीवा पुलिस की इस पर नजर गई, और जैसे ही रीवा पुलिस की नजर वीडियो पर गई तो रीवा पुलिस के द्वारा वीडियो में दिख रहे बदमाशों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया और आरोपियों की तलाश जारी कर दी गई। हालांकि त्योंथर SDOP के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि आगे की जांच शुरू कर दी गई है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सोचनीय बात तो यह है कि जब रीवा जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक रीवा में चार्ज लिए, उस समय पर ANB न्यूज के द्वारा रीवा पुलिस अधीक्षक से एक सवाल किया गया था कि रीवा जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, तब पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह बोला गया था कि इस पर रोक लगाया जाएगा। लेकिन रोक किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिल रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता यह वीडियो है। हालांकि रीवा पुलिस व्यवस्था पर और रीवा कानून व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या ऐसे व्यक्तियों पर और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लग पाएगा या फिर यह अपराधी लगातार अपराधों को अंजाम देते रहेंगे। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। सीतापुर जनपद में वायरल फीवर डेंगू लगातार कहर बनकर बच्चों पे और बूढ़े जवानों पे भी टूट रहा है। आपको बता दें, सीतापुर के जिला अस्पताल में आज जब निरीक्षण किया गया तो वहां पर बच्चों की भरमार मिली कि बच्चे एक एक बेड पे दो दो लोगों को लेटाकर बच्चों का इलाज किया जा रहा। वहीं पे गंदगी भी दिखाई पड़ी, जहाँ पे बच्चों भर्ती है, बच्चों का इलाज चल रहा है, वहीं पे गंदगी भी बेशुमार पड़ी हुई है। जब इस संबंध में नोडल अधिकारी डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया जल्द ही इसको हटा दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है जिसके वजह से ये गंदगी हो रही है। हालांकि कार्य की वजह से नहीं देखा गया तो वहाँ पे कूड़ा, खाने का और डस्टबिन, ये सब बहुत ही गंदा सामान पड़ा हुआ था। अच्छा, लगातार मलेरिया और ये जो है वायरल फीवर बढ़ रहा है, क्या जिला अस्पताल में कुछ अलग भी बेड वगैरह सुनिश्चित किए गए हैं? नहीं, हम अपने रिजर्व को पेशेंट मलेरिया का भर्ती होता है उनमें हम उसको लगा मच्छर नहीं लगाते हैं जी, ज़्यादा अलग अलग जाते हैं, उसकी समस्या समस्या व्यवस्था की गई है, वहाँ व्यवस्था की गई है। लगातार सीतापुर में वायरल बुखार और डेंगू फैल रहा है, जिससे लगातार स्वास्थ्य महकमा समीक्षा बैठक भी कर रहा है, लगातार मीटिंगें भी हो रही हैं, इस संबंध में छिड़काव भी गांव-गांव में किया जा रहा है, गांव में लगातार अपना वायरल फीवर कहर बन पा रहा है। सीतापुर से अनूप पांडे, ANB न्यूज सीतापुर।